वेलकम स्टूडेंट्स इन योर लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 5 SST। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर दिए थे। इस बार मैं आपको इस उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर बताने जा रहा हूँ। आपको पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, नेम द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस, जिसके मैंने आपको आंसर इसमें मेंशन कर दिए हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स के और 5 ओशियंस के। नेक्स्ट है आप लोग का ग्लोब और मैप में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर कंपैरिजन करना। इसमें जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा मैंने, फिर उसके बाद मैप्स का क्या एडवांटेज है, पहले लाइन में मैंने लिखा कि मैप इज़ वेरी इजी टू कैरी, और दूसरे में मैंने आपको डिसएडवांटेज लिखा कि क्या डिसएडवांटेज है। फिर ग्लोब का मैंने आपको एडवांटेज लिखा, फिर नेक्स्ट में आपको डिसएडवांटेज लिखा, फिर नेक्स्ट आप लोग का मेज़र डायरेक्शन है, और मेजर डायरेक्शन आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, और सब डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, हाउ इज़ द स्केल सोन ऑन ए मैप, स्केल किस प्रकार से दिखाया जाता है मैप पे। तो स्केल सोन ऑन ए मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। एक क्या है, रेशियो है किसका, मैप डिस्टेंस का और ग्राउंड डिस्टेंस का। नेक्स्ट है, वाई आर सिंबल यूज्ड इन ए मैप, ड्रॉ एनी 4 सिंबल एंड राइट व्हाट दे रिप्रेजेंट। कहने का मतलब है सिंबल का क्या इस्तेमाल होता है मैप में, और आप किन्हीं 4 सिंबल्स को बनाइए और बताइए कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर, सिंबल आर यूज्ड इन ए मैप बिकॉज देयर आर लिमिटेड स्पेस ऑन ए मैप टू डिस्क्राइब इट मेक्स क्लियर इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैप में जगह बहुत कम होता है, और उसके बाद उसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने होते हैं कम स्पेस में, और इसीलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम जगह में हम बेहतर से बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। फिर उसके बाद मैंने रोड्स का सिंबल बना दिया है, डैम का बना दिया है, रिवर का बना दिया है, और जो नेशनल कैपिटल्स होते हैं, जो कंट्री के कैपिटल्स होते हैं, उनको किस प्रकार से मार्क किया जाता है, ये सभी मैंने आपको लिख दिया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं अपना लेक्चर नंबर 8 समाप्त करता हूँ, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।